हाई डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्रुजन, वास्कुलर सर्जन। हमारे पास लोग नस की बीमारी लेके आते हैं एंड डेली एटलीस्ट 10% पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो वास्कुलर नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नस का प्रॉब्लम है, बट ऑन एग्जामिनेशन हम देखते हैं तो वो स्पाइन या तो घुटनों का या तो ब्रेन रिलेटेड इश्यू होता है। सो आज मैं खाली एक चीज़ बताना चाह जा रहा हूँ कि वास्कुलर प्रॉब्लम्स में क्या होता है। बीइंग अ वास्कुलर सर्जन, हम लोग डील करते हैं खून की नसों के साथ, जो हृदय में से निकल के शुद्ध खून को लेके हाथ में, पैर में, ब्रेन में जाती है। और उसमें अगर ब्लॉकेजेस हो तो कोई भी पार्ट का गैंग्रीन होना, काला पड़ना, या तो उसमें घाव होना, अल्सर, वुंड होना, ये सब चीज़ें होती है। या तो पेशेंट को चलने पर पैर में, पिंडी के मसल में दर्द होता है, काफ पेन, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, दैट इज आर्टेरियल प्रॉब्लम। एंड वेन की बीमारी में पैर की नसें चौड़ी फूली हुई दिखती है, या तो पैर में एंकल के पास घुटनों के नीचे के भाग में कालापन होता है, या तो उसमें वीनस अल्सर होता है। सो ये आर्टेरियल एंड वीनस प्रॉब्लम्स है जिसको हम वास्कुलर डिसीजेस बोलते हैं। उसके अलावा हम वास्कुलर मालफॉर्मेशन, एवी फिशुला, डायबिटिक फुट का भी इलाज करते हैं। बट अगर आपको किसी ने बोला है कि वास्कुलर सर्जन को दिखाइए या तो नस के डॉक्टर को दिखाइए, तो आप पहले कन्फर्म कर लीजिए कि आपको वास्कुलर प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी है तो आपको जाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास या तो स्पाइन सर्जन के पास, सो दैट आपका समय, हमारा समय और रिसोर्सिस का बचत हो सके और आपको हम अच्छे से इलाज कर पाए, समय दे पाए। थैंक यू।